साक्षात परमहंस पर विजयाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन हरि भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 27 और 28 पर आचर्चा करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। नेते श्रति पार्थ जानन्योगी मोहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नेते श्रति पार्थ जानन्योगी मोहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नेते श्रति पार्थ जानन्योगी मोहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। शब्दार्थ, कभी नहीं ऐते इन दोनों श्रति विभिन्न मार्गों को पार्थ हे प्रथा पुत्र जानते हुए भी योगी भगवत भक्त मोहति मोहग्रस्त होता है। कश्चन कोई तस्मात् अतः सर्वेश कालेषु सदैव योगयुक्ता कृष्ण भावनामृत में तत्पर भव हो अर्जुन। हे अर्जुन, इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्त विषयान यथार्थ मुह पुंजयतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है। अगला श्लोक 28वां, साथ साथ बोलिए।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाध्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाध्यम् अर्थ जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य इस श्लोक में सातवें तथा आठवें अध्यायों का उपसंहार है जिनमें कृष्ण भावना में तथा भक्ति का विशेष वर्णन हुआ है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरुजन के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है जिससे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावना अमृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम् विदत्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में सातवें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। सातवें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांत समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं यज्ञों दानों चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावना अमृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे
किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीला आदि से संबंधित सारे भ्रम, सारे संशय दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है, तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां नित्य सुखी रहता है। ओम अज्ञान तमरांध ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं भजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी चनामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो चर्चा चल रही है आठवें अध्याय भगवत प्राप्ति में। भगवान इस 27 और 28वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। 28वां श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो भगवान इसमें सार स्वरूप सब समझा रहे हैं हमको। तो 27 पे पहले चर्चा कर लेते हैं। 27 में भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, यद्यप भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो चर्चा चल रही थी कि संसार से जाने के दो मार्ग हैं, एक उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन। एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है। प्रकाश के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है और पुनः वापस नहीं आता। अंधकार से जाने वाला व्यक्ति, उसको वापस आना होता है। लेकिन चर्चा ये भी चला कि वास्तव में ये उत्तरायण और दक्षिणायन ये 6-6 मास के होते हैं। तो जब व्यक्ति का मित्र मृत्यु होगा तो इन 6 में से ही किसी में होगा, या तो दक्षिणायन में होगा या उत्तरायण में होगा। तब इसका मतलब है फिर नरक कौन जाएगा, निम्न योनियों में कौन जाएगा। तो वास्तविकता यह है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से उसको दंड मिलते हैं। ये व्यवस्था बताया गया कि वास्तव में
देवताओं के 6 महीने तक उनका दिन होता है, यहाँ के 6 महीने तक वहाँ का एक दिन होता है, यहाँ की 6 महीने तक वहाँ की रात्र होती है। तो जब दिन का समय होता है तो वहाँ के कार्यकलाप सुचारू रूप से चलते हैं, और जब रात्रि का समय होता है तो वहाँ सब विश्राम करते हैं, कपाट बंद होते हैं। तो अगर कोई जाएगा तो निश्चित रूप से उसको असुविधा होगी या उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए वास्तव में व्यक्ति के कर्मों के ही फलों का दंड उसको मिलता है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, खास करके जो भगवत भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी भगवत भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। उनको इस बात का चिंता नहीं करना चाहिए कि वो उत्तरायण में मरेंगे या दक्षिणायन में जाएंगे। भक्त लोग जानते हैं इन दोनों मार्गों को, लेकिन वो भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते हैं, जिससे कि वो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम जाएं और भगवान में अपनी आसक्ति कर पाएं। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। इसलिए भगवान हमको बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भक्ति में स्थिर रहो। कई बार जब भगवद गीता की शिक्षा की बात आती है या भगवद गीता की चर्चा चलती है तो लोगों को लगता है कि भगवद गीता में ज्ञान योग है, पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन वास्तविकता में अगर भगवद गीता को भक्त के सानिध्य में समझा जाए तब हम उसके वास्तविक सार को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने विशेष रूप से भक्ति योग का ही वर्णन किया है और जगह जगह भक्ति की महत्ता पर बल दे रहे हैं। भगवद गीता जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी 7वें अध्याय से लेकर के और 12वें अध्याय तक, तो ये भगवद गीता के बड़े महत्वपूर्ण अध्याय हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने 28वें श्लोक के तात्पर्य में बताया है, उसी तात्पर्य के आधार पर मैंने ये सत्संग लॉकडाउन में शुरू किया है कि भगवद गीता के जो 7 अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय हैं, अगर इन श्लोकों को कोई वास्तव में गंभीरता से विचार करते हुए समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो सकता है, बशर्ते वो इनको समझे और उस पर वर्क करे, उनके अनुसार जिए, मनोधर्म के अनुसार नहीं। तो जो 28वां श्लोक है इस पर चर्चा करते हैं, ये बहुत विशेष श्लोक है और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो 2 अध्याय हम लोगों ने चर्चा किया है अभी, 7वां और 8वां अध्याय, इसका सार स्वरूप है, इसका पूरा सार है। तो इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा कि तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, और इस श्लोक में भी भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, भगवान को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं लेकिन उनमें से वास्तव में जो पूर्ण साक्षात्कार का सबसे सहज और पूर्ण साक्षात्कार भगवान का कराने वाला मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। तो भगवान इसलिए गीता में भक्ति मार्ग पर विशेष जोर दिए। तो इस श्लोक में भी बोलते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो व्यक्ति वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यानी जो भगवान का चिंतन करता है, भगवत सेवा करता है, भगवत भक्ति करता है, वो इन समस्त प्रकार के कर्मों के फलों को भी स्वतः प्राप्त कर लेता है भक्ति के प्रभाव से। वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म के फलों से वो वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके, केवल भक्ति करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में नित्य धाम को प्राप्त होता है। इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये वास्तव में होगा कैसे। तो बोलते हैं इस श्लोक में 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है, ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना होता है और द्वारद्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है, उसे गुरु के आदेशों पर भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है।
आप देख सकते हैं यहां कितना सुंदर आदर्श का वर्णन है। वास्तव में प्रभुपाद जी इन श्लोकों में हम लोगों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो स्वतः लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके जीवन में डिसाइड होता है कि अभी ये 25 साल उसके चरित्र निर्माण के हैं, यानी ब्रह्मचर्य जीवन के हैं, यानी शिक्षा दीक्षा के हैं। गंभीरता पूर्वक गुरु के सानिध्य में रहते हुए, गुरु का सेवा करते हुए, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का स्वाध्याय करता था और गुरु की सेवा करते हुए वेदों के ज्ञान को प्राप्त करता था, भगवत भक्ति को प्राप्त करता था। और इतना उच्च आदर्श बताया गया कि अगर शिष्य जाकर के पूरा सब व्यवस्था करता था, बनाता था, करता था, और अगर गुरु भोजन के लिए बुलाना भी भूल जाए तो शिष्य उपवास करता था। तो वर्तमान परिस्थिति में इतने उच्च आदर्श की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था जो है वर्तमान समय में हम लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि करना चाहिए, निश्चित रूप से जो वर्ण व्यवस्था का पालन करता है वो निश्चित रूप से उच्च लोगों को और भगवत धाम को प्राप्त होता है, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। लेकिन सबसे सहज और सरल है भक्ति मार्ग, क्योंकि अभी ब्रह्मचर्य जीवन जिनका निकल गया है, जिन्होंने आज के समय में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में किसी का वास्तव में ब्रह्मचर्य रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सामाजिक ढांचा है वो इतना बदल गया है कि बचपन से व्यक्ति का एक ब्रह्मचर्य, एक चरित्रवान जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। तो भगवत भक्ति करके, भगवत भक्ति इतनी प्रबल है कि अगर वो वास्तव में सही तरीके से गुरु के निर्देशन में रह करके भगवत भक्ति करता है तो उसके प्रभाव से वो इन वर्ण व्यवस्था के लाभ से भी वंचित नहीं रहता, उसको भी प्राप्त करता है। वैसे वर्ण व्यवस्था का चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसको जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जब वो 25 साल तक गुरु के सानिध्य में रहकर के वेदों को पढ़ता था और एक आदर्श जीवन जीता था, तो 25 साल बाद जब उसको गृहस्थ आश्रम में जाने की अनुमति दी जाती थी, तब तक वो एक महान चरित्र का निर्माण कर चुका होता था गुरु की कृपा से। और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की सेवा करता हुआ, क्योंकि इन तीनों ही आश्रमों का भार गृहस्थ आश्रम पर था। और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति तमोगुणी दान, रजोगुणी दान, सतोगुणी दान, दानों के तीनों प्रकार पर चर्चा चिंतन करते हुए उत्तम कोटि का दान करता था, जिससे समाज को लाभ हो, ब्रह्मचारियों का चरित्र निर्माण हो, वानप्रस्थियों का मदद हो और सन्यासियों का मदद हो। ये वर्ण व्यवस्था थी। तो अभी तो वर्तमान समय में देख रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम भी केवल अपने ही परिवार और अपनी ही इंद्रियों तक सीमित रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में न ब्रह्मचर्य आश्रम रहा है, न गृहस्थ आश्रम रहा है। गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति केवल अपने ही सुख की कामना करता है। तो अभी जो समय है इसमें पूर्ण रूप से जो वर्ण व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि उसका परम चरित्र बन जाता था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, जैसे कई बार हम भागवत पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो ये वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के लिए नहीं है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है कि हाँ मनोरंजन किया जाए, गीता पढ़ के थोड़ा मन को अच्छा लगता है, भागवत पढ़ने से अच्छा लगता है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। यानी गीता तथा भागवत का स्वाध्याय करके व्यक्ति को अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर वो गीता और भागवत पढ़ने के बाद जैसा पहले था वैसा ही है तो फिर उसका गीता भागवत पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये लाइन व्यक्तिगत हम लोगों के जीवन पर सही बिल्कुल फिट बैठती है। हम लोग वेदों का अध्ययन मनोरंजन के लिए करते हैं, मनोधर्म से। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश का अनुमति दिया जाता था। तो खैर, बोलते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, और जो व्यक्ति इन, यदि वे इस अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को जाते थे, तो जो संन्यास आते थे तो व्यक्ति स्वतः निरासक्त हो जाता था, उसकी वन में जाकर के पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करता हुआ संन्यास आश्रम लेता था।
हालांकि संन्यास आश्रम की अनुमति हर किसी को नहीं थी, जो उस स्तर से होता था वही करता था। तो कहने का तात्पर्य, जब व्यक्ति को पता होता था कि 50 साल में उसको घर छोड़ के वानप्रस्थ जाना है, तो व्यक्ति का माइंडसेट वैसा होता था, वो समझता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल इंद्रिय भोग है, व्यक्ति का ये चिंतन ही नहीं है कि उसको शरीर छोड़ करके अगले योनि में भी जाना है, अगले जीवन में भी जाना है। अभी तो उसका एकमात्र चिंतन यह है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति करे, ज्यादा से ज्यादा संसार के सुखों को भोगे, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करे, और संसार के विषय या सांसारिक संबंध या संसार किसी प्रकार से छूटे ना। जब जबरदस्ती यमदूत आए और हमको खींचें, मारें, निकालें, तब हम यहां से इसको छोड़ करके जाएं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो इसलिए हमारा मृत्यु के समय संसार का चिंतन ही स्वाभाविक होता है, क्योंकि हम संसार में पूरी तरह से रचे बसे होते हैं, पूर्ण तरह से आसक्त होते हैं। लेकिन जब कोई वर्ण व्यवस्था का पालन करता था, वर्ण आश्रम का पालन करता था, तब वो जानता था कि उस अपने जीवन में डिसाइडेड है, इतना समय यहाँ रहना है, इतना समय गृहस्थ में, इतना समय संसार छोड़ करके जाना है, वानप्रस्थ में जाना है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति को वर्णाश्रम व्यवस्था को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए, खास करके भक्तों को। भक्तों को अपने जीवन में जरूर ये चिंतन करना चाहिए कि अभी वो कितनी उम्र पर हैं। मान लो दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश, अपने ही पूर्वजन्म के पाप कर्मों बस हम लोगों को बचपन से वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जिससे कि हम ब्रह्मचर्य जीवन जी पाते और अपने वेदों का अध्ययन कर पाते या चरित्र निर्माण कर पाते, तो वो समय निकल गया है। अभी गृहस्थ का समय मिला है, गृहस्थ जीवन में हम हैं, और गृहस्थ का समय भी 50 साल, क्योंकि ये वास्तव में 25 25 25 तब बांटे गए थे जब व्यक्ति की उम्र 100 साल मानी जाती थी। आज वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो व्यक्ति की उम्र 80 से ज़्यादा नहीं है, तो 20-20 साल बांट के चलो, तो 20 साल की उम्र तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत यानी चरित्र निर्माण यानी एजुकेशन लेना चाहिए, खास करके वैदिक एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन के साथ साथ, और 20 साल से लेकर के 40 साल तक उसे गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, और 40 के बाद फिर उसे समझना चाहिए कि अब मुझे इससे निकलना है और इनसे निकलने का प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना हो सके भगवान पर निर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और 60 साल की अवस्था प्राप्त करने के बाद, 60 और 80 के बीच में कभी भी शरीर छूट सकता है, तो उस समय व्यक्ति को पूर्ण रूप से संसार से संबंध अलग कर लेने चाहिए और भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान में ध्यान करते हुए पूर्ण रूप से पूर्ण मनोयोग से भक्ति करनी चाहिए और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अगर ऐसा जीवन जिएंगे तब निश्चित रूप से आप अपने अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ये विचार ही नहीं है हमारा तो फिर क्या है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। तो अगर व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तब आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी कि अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीव की सिद्धावस्था को प्राप्त होता था। तब इनमें से, और ऐसा पालन जो लोग करते थे, इनमें से कुछ लोग स्वर्गलोक को जाते थे। यदि वे और अधिक उन्नति करते थे, अगर वो इन्हीं चारों आश्रमों का बड़ा ईमानदारी से पालन करते थे, गंभीरता पूर्वक भगवान से प्रेम करते थे, अधिक उन्नति होने पर अधिक उच्च लोकों में जाते थे, या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को जाते थे, या बैकुंठ लोकों को जाते थे, या कृष्ण लोक, भगवान के कृष्ण के धाम को जाते थे। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में वर्णाश्रम के द्वारा ही व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण करते हुए संसार से अपनी आसक्ति को हटाकर, भगवान में अपनी आसक्ति को लगा करके, मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते थे और वो भगवत धाम जाते थे। किंतु कृष्ण भावना मृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। अभी भक्ति की चर्चा चल रही है, भक्ति के विषय में प्रभुपाद जी विशेष बल देकर के कहते हैं कि अगर मान लो दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति इन आश्रमों का पालन नहीं कर पाया है, जैसे पता चलेगा अगर हम लोग 20-20 में बांट रहे थे तो बहुत सारे लोग अगर 60 पे हैं, तो अगर उनसे उम्मीद किया जाए कि वो संसार छोड़ करके पूर्ण रूप से सब निकलें, तो ये संभव नहीं है। आज के वर्तमान परिस्थिति में लोग उतना नहीं निकल पाएंगे, और वास्तव में वन भी नहीं है। तो वन का मतलब है एकांतवास, हम अपनी पारिवारिक आसक्तियों से, बच्चों से, परिवार से, धन से, शरीर से, और वास्तव में ये सब साथ छोड़ने ही लगते हैं अगर ध्यान दिया जाए तो।
60 साल की अवस्था में देखोगे तो आपका शरीर भी बोलने लगता है, वो भी साथ छोड़ने लगता है, और धीरे धीरे बच्चे भी अपना रंग दिखाने लगते हैं, उनका अपना दुनिया होता है, अपना सुख होता है, अपना सब कुछ होता है, तो वो भी अलग होने ही लगते हैं। वो तो हमारी ही आसक्ति, उनके पीछे पीछे हम दौड़ते रहते हैं। ये दुर्भाग्यवश है कि हमारी आसक्ति के कारण हम उन्हीं के पीछे घूमते हैं, भगवान के पीछे नहीं घूमते, जिनके पीछे घूमना चाहिए, जिनका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है। लेकिन चूंकि अभ्यास किया ही नहीं ईमानदारी से, ईमानदारी से अभ्यास किया है केवल धन की सेवा करने में और परिवार की सेवा करने में। तो जब हम परिवार की सेवा करेंगे, धन की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा आसक्ति परिवार और धन से ही होगा। तो इसलिए ये परिवार और धन मन से भी नहीं छूटता, शरीर से तो बहुत अलग बात रही, शरीर से तो छोड़ ही नहीं पाते, मन से भी नहीं छूटता, लेकिन करना चाहिए। तो कृष्ण भावना मृत को अगर हम अपनाते हैं किसी भी अवस्था में, कोई जिस अवस्था में है, 20 साल का है, 40 साल का है, 60 साल का है, 80 साल का है, किसी भी अवस्था में व्यक्ति अगर कृष्ण भावना मृत को अपनाता है, भगवत भक्ति को अपनाता है, तो वो उसी अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये इतनी सरल और इतनी प्रभावी विधि है, बशर्ते इसको करना कैसे है, तो उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसको भक्तों के सानिध्य में करना। आगे बोलते हैं ये भक्ति को कैसे समझा जाए, कृष्ण भावना व्रत को कैसे स्वीकार किया जाए। तो आगे बोलते हैं, इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हुए मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में, सातवें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। सातवें अध्याय में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसमें पूरे मनोयोग से उस पर विचार करना चाहिए और उस पर चर्चा करना चाहिए। उसमें सातवें अध्याय में भगवान ने बताया है कि भगवान का अनन्य भक्ति करना चाहिए। कई हजार मनुष्यों में से कोई लोग इस तरफ आते हैं, उनमें कोई एक बिरला मुझे जान पाता है, और भी भगवान बोलते हैं जब कोई किसी की देवता की पूजा करने की कोशिश करता है तो मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा को उसी अमुक देवता में स्थिर कर देता हूँ। फिर भगवान ने परा और अपरा शक्ति के विषय में बताया, तो पूरा चर्चा भगवान बता रहे हैं किस तरीके से भगवान का व्यवस्था है, किस तरह भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, हमें भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हुए उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो सातवें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि विद्वत्ता, कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं तो अपना पूरा बुद्धि लगाते हैं, बोले अब तो मैं समझ ही जाऊंगा, है ना, या मनोधर्म से कुछ का कुछ सोचेंगे, कुछ का कुछ समझेंगे, अपने हिसाब से ही उसको अपने तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है। विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए कि सातवें से लेकर बारहवें अध्याय तक भगवद गीता के सार रूप हैं, जिनकी चर्चा हम लोग इस लॉकडाउन में करेंगे। सातवें से लेकर के बारहवें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम छह अध्याय गीता के, प्रथम छह अध्याय, पहले अध्याय से लेकर छह अध्याय और बारहवें अध्याय से लेकर के अठारहवें अध्याय, प्रथम छह अध्याय तथा अंतिम छह अध्याय, इन मध्यवर्ती छह अध्यायों, मध्यवर्ती छह अध्याय हुए आपके सातवें अध्याय से लेकर के और बारहवें अध्याय तक, इन अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं। मध्यवर्ती अध्यायों के ये जो प्रथम छह और बाद के छह, ये आवरण मात्र हैं जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन छह अध्यायों को, इन छह अध्यायों को यानी सातवें अध्याय से लेकर के बारहवें अध्याय तक, यदि गीता के इन छह अध्यायों को भक्त की संगति में भली बात समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। कि लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। हम इसको सुनेंगे, समझें, विचार करें, अगर हमको लगे कि हाँ सही बात है, फिर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और प्रैक्टिकल आचरण करना चाहिए। तो ये जो छह अध्याय हम लोग चर्चा करेंगे, वास्तव में छठवें, सातवें अध्याय से लेकर के और बारहवें अध्याय तक भक्ति योग का ही चर्चा है। इसीलिए इसको समझ करके अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हमें वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होना पड़ेगा, और हम मात्र भक्ति संपन्न करके इस गीता के छह अध्याय से बारहवें अध्याय के तात्पर्य को समझ कर गंभीरता पूर्वक उस पर मनन करते हुए अगर उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं और वास्तव में भक्ति कर पाते हैं, यानी प्रेम पूर्वक सेवा कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम
भगवान की इस भक्ति को प्राप्त करेंगे और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करेंगे, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। लेकिन कई बार होता अधिकतर ये है, पात्रता के अभाव में व्यक्ति ज्यादातर केवल सुनते हैं और सुन करके मनोधर्म के अनुसार अब उस पर विचार करते हैं और मनोरंजन के लिए सुनते हैं, आचरण में चरित्र निर्माण के लिए नहीं सुनते, विचार परिवर्तन के लिए नहीं सुनते, समर्पित होकर के भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होने के लिए नहीं सुनते, केवल मनोरंजन के लिए। तो ये शास्त्र वैदिक साहित्य का जो अध्ययन है या सत्संग है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मन के रंजन के लिए नहीं है, ये चरित्र निर्माण के लिए है। तो अभी आपको देखना है कि हम सब लोग इस चर्चा को करके अपने, हम और आप अपने चरित्र का निर्माण कर पा रहे हैं, उस आधार पर अपने जीवन को जी पा रहे हैं, या केवल मनोरंजन कर रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन में आधे घंटे बड़ा मजा आता है, ठीक है उतनी देर चर्चा हो जाता है, कम से कम थोड़ा विषय बदल जाता है, है ना। तो अगर केवल मनोरंजन करेंगे तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इस पर हमें विचार करना है, उसको समझना है और उसके बाद अपने आचरण में इसको लाना है, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय में प्रारंभ में ही कहा गया कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गीता को केवल भक्त समझ सकता है, मैं नहीं बोल रहा, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, गीता को ज्ञानी भी पढ़ते हैं, कर्मयोगी भी पढ़ते हैं, विभिन्न विभिन्न नजरिए से लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में गीता के असली प्रयोजन को केवल भगवान का भक्त समझ सकता है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है, जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान का प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति आती है, भक्ति का मतलब होता है सेवा, भक्ति का मतलब है सेवा। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तब वास्तव में हमको भक्ति मिलती है, यानी भक्ति का मतलब सेवा। अब आप ये मत सोचना कि भक्ति का मतलब सेवा, तो भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, हम तो सुबह से शाम तक पत्नी बच्चा और घर परिवार कुत्ता बिल्ली इसका सेवा करते हैं, तो हम तो भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति है, लेकिन वो भक्ति है संसार की भक्ति है, वो सेवा है लेकिन वो संसार की सेवा है। तो अगर संसार की भक्ति करोगे तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो निश्चित रूप से आपको उसके परिणाम देगी। तो अगर आप संसार की भक्ति कर रहे हैं, संसार की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित कतई संदेह नहीं है हमको संसार की ही प्राप्ति होगी। और अगर हम संसार को छोड़ करके वास्तव में भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान की प्रिय वस्तुओं का भक्ति कर रहे हैं, भगवत भक्तों गुरुजनों का भक्ति कर रहे हैं, गाय का भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, तुलसी देवी का भक्ति कर रहे हैं, यानी इनकी सेवा कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से उस भक्ति का सही प्रभाव आएगा और निश्चित रूप से मृत्यु के समय हम कृष्ण को याद कर पाएंगे। अदरवाइज संसार की भक्ति करते करते केवल संसार याद आएगा और निश्चित रूप से हम लोग अधोगति को प्राप्त होंगे। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण वास्तविक अध्ययन उसका ज्ञान प्रारंभ होता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप नाम लीला आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। और जब वास्तव में हम भक्ति करते हैं, जब भगवान का सेवा करते हैं, तो जो हमारे संदेह हैं, जो हमारे संशय हैं भगवान को लेकर के, भगवान की व्यवस्था को लेकर के, या भगवान के ज्ञान को लेकर के, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जन भक्त इन सबको लेकर के संशय भरे पड़े हैं, भगवान को लेकर संशय है, नाम को लेकर संशय है। हम कहेंगे कि हमें नाम को लेकर संशय नहीं, हमें तो संशय केवल भक्त में है, भगवान में कोई संशय नहीं है, लेकिन बड़े संशय है, संशय ही संशय है। अगर संशय पर चर्चा किया जाए वास्तव में गहराई से, तो हम संशय आत्मा है, और भगवद गीता में आगे चर्चा आएगा, निकल चुका है चौथे अध्याय में बात हुई थी कि जो वास्तव में संशय आत्मा है वो विनाश विनाश होता है। श्रद्धावान लभते व्यानम,
संशय आत्मा विनश्यति। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं भगवान का, कृष्ण का भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तब उसका परिणाम स्वरूप हमारे समस्त प्रकार के संशय जो कि नाम रूप गुण लीला और जन के प्रति होते हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। सारे भ्रम, लीलाओं आदि के सारे संबंधित भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है, और जब भ्रम दूर हो जाते हैं फिर वो भगवान की सेवा में, स्वाध्याय में, जप में, अपनी नियमित सेवाओं में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है, फिर उसको आनंद आने लगता है, फिर उसको भगवद गीता का चर्चा सुनने में, भगवद गीता का स्वाध्याय करने में उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और कृष्ण भावनामृत होने की अनुभूति होने लगती है, और उसको स्वयं अंदर से एहसास होने लगता है कि हाँ वास्तव में वो कृष्ण भावना भावित हो रहा है। कृष्ण भावना भावित होने का प्रथम लक्षण समझ लीजिए, जब आपको संसार से विरक्ति होने लगे और भगवान से आसक्ति होने लगे, भगवान के भक्तों से आसक्ति होने लगे, भगवान की सेवा से आसक्ति होने लगे, तब समझिए कि हाँ वास्तव में कृष्ण भावनामृत में मेरा प्रवेश हो रहा है। और अगर खून भर के चर्चा करते रहो भगवान की और सेवा करते रहो पत्नी बच्चा की, तो फिर कहो कि नहीं हम भक्ति हो रही है, तो वो कपट भक्ति है। इसीलिए भगवान ने कहा मोह कपट चल छिद्र न भावा। हम लोगों को वास्तविक भक्ति करनी होगी, तब निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। तो इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने वेदाध्ययन में स्थिर हो जाता है, तब उसे गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के गोधाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति। और सरल भाषा में बात करी जाए, भगवत धाम गोलोक धाम सर्वत्र है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मरने के बाद ही हम भगवान के धाम जाएंगे। भगवान के धाम में तीन चीजें हैं, ध्यान रखिए। भगवान के धाम में भगवान हैं, भक्त हैं और भक्ति है। और ये तीन चीजें जिसके जीवन में वास्तव में होती हैं वो भगवत धाम में ही है, उसे भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है, वो भगवत धाम में ही है। और इसीलिए भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता कि उसे भगवत धाम जाना है। आपने सुना होगा जो वास्तव में भक्त हैं उनका ये चिंतन नहीं होता कि उन्हें भगवत धाम जाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाना है, ये करना। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है भक्त भगवान और भक्ति का सानिध्य करना, भक्ति करना भगवान और भक्त का भक्ति, भगवान और भक्त का सेवा। ऐसा करने से वो वास्तव में भगवत धाम रहता है। हम इंतजार करते रहते हैं और वर्तमान परिस्थिति को नरक बनाए रहते हैं, पता नहीं कौन से भगवत धाम का इंतजार करते रहते हैं। वास्तव में अगर जीते जी वर्तमान परिस्थिति में मेरे जीवन में वैकुंठ का वातावरण क्रिएट नहीं हो रहा है, वैकुंठ का वातावरण का मतलब है वैकुंठ में एकमात्र भगवान भक्त और भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, तो अगर जीते जी मेरे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल भक्त भगवान और भक्ति है, तब हम भी जीते जी वास्तव में वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। हम भी वास्तव में इस संसार में रहते हुए ही भगवत धाम में प्रवेश कर जाएंगे। और जिस व्यक्ति का वास्तव में जीते जी भगवत धाम में प्रवेश होता है वही मरने के बाद भी भगवत धाम जा सकता है। इसलिए हम लोगों को वास्तव में कपट रहित होकर के संसार की भक्ति छोड़ करके, संसार की भक्ति सिखाई नहीं जाती, वो रची बसी है, मन में बसी है, हृदय में बसी है। सांसारिक आसक्तियां इतनी हैं कि जिस जो रचा बसा होता है उसका गुणगान खुलकर होता है। आप देखिए, अगर अपने जीवन से अपने जीवन में नजर डालो या अपनी रिकॉर्डिंग करो, जो आप बोलते हो अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो 30 दिन की, तो और फिर उसे शांति से सुनो, तो उसको सुनने से पता चल जाएगा कि हम संसार के भक्त हैं या भगवान के भक्त हैं। क्योंकि हमारा चर्चा जब हम गुणगान करते हैं तो जिनसे आसक्त होते हैं उनके करते हैं। कोई अपनी बिटिया का गुणगान करेगा, कोई अपना बेटा का गुणगान करेगा, कोई अपना बीवी का गुणगान करेगा, है ना, कोई अपना ही गुणगान करेगा। लेकिन भगवान का गुणगान और भक्त का गुणगान, गुरुजनों का गुणगान, भक्ति का गुणगान, ये नहीं होगा। तो ये दर्शाता है कि हमारा आसक्ति संसार में ही है।
इसलिए हम लोगों को वास्तव में भक्त भगवान और भक्ति का गुणगान करना चाहिए और संसार में किसी भी वस्तु का गुणगान नहीं करना चाहिए। अगर मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति है, भगवत प्रेम की प्राप्ति है, तो निश्चित रूप से हमको गंभीरता पूर्वक भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।